तो हे गाइस, आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है ब्लैक मिथू कॉन्ग 100 डे गेम प्ले चैप्टर 2 में। पिछली बार हम लोगों ने देखा था हुकोंग की बैटल हुई थी हेवनली आर्मी के साथ, जहां पर वंग किंग अकेले ही स्वर्ग के सारे देवताओं के साथ लड़ पड़े थे, पर अचानक उनके सर पे एक बुद्धा रिंग अपीयर होती है जो उनकी सारी शक्ति सोख लेती है। एंड उसी मौके का फायदा उठा के देवसेना का अर्लंग उन्हें पहाड़ी के एक पत्थर में कैद कर देता है। पर मरने से पहले हुकोंग ने अपनी आत्माओं का 6 अलग अलग भाग करके इस जंगल के अलग अलग रिलम्स में छुपा दिया था, और अब हमें हुकोंग के 6 आत्माओं को ढूंढ के उन्हें पुनर्जीवित करना है। और उसी के लिए हम लोग सफर पर निकले थे, जहाँ पर हमारा सामना बहुत खतरनाक अलग अलग बॉसेस से होता है जिनसे हम लोग फाइट करते हैं, पर वो बहुत शक्तिशाली थे। हम बड़े मुश्किल से उनके अटैकों से बचते बचाते उन्हें मारते गए, और ऐसा ही हमने उनमें से ज्यादातर को हरा दिया। पर उनमें से कुछ बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली थे जिन्होंने अपनी अनोखी शक्तियों के सहारे हमें मार दिया था, पर हमने हार न मान के कड़ी ट्रेनिंग की। हम उनके अटैकों को समझते गए जिसके खातिर हम उन्हें हरा पाए, जिससे कि हमें भी काफी नई जादुई शक्तियां भी मिली। और ऐसा ही चुनौतियों का सामना करते करते हमने उसको भी ढूंढ लिया था जिसके पास मंकी किंग का पहला सोल था, जो कि था खूंखार काला भालू, जिससे हमने बहुत खतरनाक बैटल की एंड उसे भी हमने हरा दिया। और इसके हारने के बाद हमने हासिल कर ली मंकी किंग का पहला अंश द ग्रेट सेज, और यहीं पर हमारा चैप्टर 1 एंड हो गया था। तब चलते हैं इस गेम के चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम लोग रेगिस्तान में आ चुके थे, जहाँ पर एक सरकटा बैठ के गाना बजा रहा था, और फिर सीन हमारी तरफ शिफ्ट होती है एंड मुझे पता चलता है हमारे कैरेक्टर के सीने में तो इस बार बहुत से तीर लग चुके हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से सरकटा उठता है एंड अपने वीणा से कुछ ऐसे मैजिक करता है कि तुरंत ही मेरे सारे तीर गायब हो जाते हैं, और लिटरली मुझे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक दोस्त मिल जाता है। और फिर ये सरकटा हमसे कहता है कि ये है तीरंदाजों का इलाका, बच के रहना वरना मारे जाओगे। एंड यहीं से शुरू हो जाती है हमारी चैप्टर 2। शुरुआत में मैं उन कमीनों को ढूंढने निकल पड़ता हूँ जिन्होंने मेरे सीने में तीर छुपाई थी, और फिर कुछ देर के ढूंढने के बाद मुझे वो लोग मिल भी जाते हैं, जहाँ पर मैं इन पर अटैक तो करता हूँ, पर मुझे पता चलता है ये लोग है चूहे, मतलब ये है चूहों का रिलैम। तो फिर क्या था, मैं सारे चूहों को फिनिश आउट कर देता हूँ, जिसके बाद मुझे इनके यहाँ से मिलती है एक न्यू बाउल जिसको मैं तुरंत कर लेता हूँ। तब मुझे सबसे पहले एक श्राइन को ढूंढना था, जिसके लिए मैं आगे निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत सारे नए चूहे मिलते हैं जिनको मैं तुरंत ही निपटा डालता हूँ। तो इन सारे चूहों को मारने के बाद मुझे मिलता है मेरा पहला श्राइन, जिसको मैं तुरंत ही अनलॉक कर लेता हूँ। तो न्यू चैप्टर में आने के बाद हमारी न्यू स्टाफ खुली थी, पर इसको क्राफ्ट करने के लिए हमारे पास अभी मटेरियल्स नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसे क्राफ्ट नहीं करता। पढ़ने के लिए इसके साथ न्यू आर्मर सेट भी अनलॉक हो गई थी, तो मैंने उसे फिलहाल क्राफ्ट कर लिया। एंड ऑल्सो मैंने न्यू वाले बॉल को भी सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज इससे कुछ ज्यादा एचपी मिलती है। तो अब सब कुछ न्यू आइटम लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सैंड गेट विलेज में, और ये वो विलेज है जहाँ पर सारे चूहे रहते हैं। वेल, फिर मैं इस विलेज के अंदर तुरंत ही रश कर देता हूँ, जहाँ पर जाते ही सबसे पहले मेरे ऊपर तीर पड़ना शुरू होता है। तो मैं इन तीरों को अवॉइड करके सबसे पहला जो बंदा यहाँ पर था उसको क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल करके पीछे से जाके मार देता हूँ, क्योंकि इसके हाथ में आगे शील्ड था। इसको मारने के बाद मैं विलेज के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, पर विलेज का गेट अंदर से बंद था, तो विलेज में एंट्री लेने के लिए फिर मैं दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करता हूँ, जहाँ पर नीचे मुझे एक रास्ता दिखता है तो मैं उस पर चल पड़ता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक डॉग दिखता है, तो मुझे लगता है कि यही ना मुझे विलेज में जाने का सीक्रेट रास्ता बता सकता है, पर उल्टा ये मुझसे मदद मांगना शुरू करता है। ये कहता है यहाँ पर पास में एक फ्रॉग है, अगर मैं उसको मार के उसका टेड पॉलिश ला के देता हूँ तो ये मदद करेगा। तो फिर मैं इंस्टेंटली निकल पड़ता हूँ उस मेंढक को ढूंढने, एंड नीचे मुझे यहाँ पर वो मेंढक दिख जाता है, जिसको मैं सबसे पहले मोबिलाइज करके इसके अटैक को डॉच करके भाई से मारना शुरू करता हूँ, एंड इसके ऊपर एक कॉम्बो यहाँ पर बैठा देता हूँ, और देन फिर मैं अपने सांपों को भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पर अभी अपने असली फॉर्म पे आ गया था। इसने मुझ पर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ना शुरू किया, जिसको मैंने इजीली डॉच किया, और फिर जब मैं इसे मारने जाता हूँ ये अपने मुंह से भी कुछ थंडर बोल्ट निकालना शुरू करता है। वेल, इन सबसे तो मैं बहुत इजी तरीके से बच जाता हूँ। देन फिर मैं क्लाउड स्टेप का इस्तेमाल करके इसे जाके लट्टी मार के मोबिलाइज करके इसको पीटना शुरू करता हूँ, जहाँ पर मैं इसके ऊपर और एक कॉम्बो बैठा देता हूँ, और फिर मैं इसे एक खतरनाक सा स्मैश भी मारता हूँ, और फिर कुछ अटैक्स के बाद मैं तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ रेड टाइड्स में, एंड रेड टाइड के पावर के साथ मैं अपनी स्लैशेस करना शुरू कर देता हूँ, एंड लिटरली रेड टाइड इतना ज्यादा ताकतवर था कि कुछ अटैक्स के अंदर ये इसे फिनिश आउट कर देता है। एंड इसी के साथ इलेक्ट्रिक फ्रॉग हार चुका है, एंड मुझे मिल चुका है इसका टोट पोल। तो फिर मैं टोट पोल को लेकर इस बंदे के पास आके इसे देता हूँ, एंड ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद पता नहीं किस लिए ये इसे कूट रहा था, एंड फिर ये इसे कूट के दीवार पे लगाता है, एंड देन फिर ये यहाँ पर थूकता है, जिसके खातिर ये गायब हो जाती है।
है और दन फिर ये मुझे बोलता है कि अब तुम श्राइन्स में जाके मेडिसिन को क्राफ्ट कर सकते हो। वेल ये बोल के ये गायब तो हो जाता है लेकिन अब मैं खुद से मेडिसिन को बना सकता हूँ। तो इसके बाद वापस से मुझे याद आ जाता है भाई मुझे तो विलेज का गेट ढूंढना है। तो फिर क्या होता है मैं निकल पड़ता हूँ एंड मुझे यहाँ पर एक रास्ता मिल जाता है जो कि विलेज तक जाता था। तो इस रूट को फॉलो करके मैं आ जाता हूँ इन चूहों के लंका दहन करने, जहाँ पर एंट्रेंस में एक गार्ड था जिसको टपका के मैं और आगे बढ़ता हूँ, पर यहाँ पर दो सर वाला एक चूहा मुझ पर हमला कर देता है। वेल ये चूहा अपना फ्लेम ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश तो कर रहा था, पर मैं इसके अटैकों को डॉज करके क्लाउड स्टेप से इसे टपका देता हूँ। फिर मैं विलेज के और अंदर रश कर देता हूँ जहाँ पर मुझे एक समुराई जैसा घर देखने को मिलता है। तो मैं इस घर को पार करता हूँ पर इसके पीछे था एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर। वेल मैं यहाँ पर विलेज का गेट खोलने आ तो गया हूँ पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव है जो कि अर्थ वुल, जिसको मैं देखते ही तुरंत इसे मोबिलाइज करके एक हिट इसके ऊपर बैठा देता हूँ। जिसके बाद ये भी अपने हॉर्न से मुझ पर रश कर रहा था जिसको मैंने डॉच किया एंड देन फिर अपने स्मैश अटैक को चार्ज करके इसके सर पे और एक टपली दे दी। और बैटल तो असल में अब शुरू हुई थी क्योंकि अब ये अपना खतरनाक अटैक कर रहा था जिनसे बच के मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, पर लिटरली अब इस बैटल में किसी और ने एंट्री ले ली थी। ऐसे इस मॉन्स्टर को मारना इतना ज्यादा मुश्किल है पर अभी इसके साथ और एक बंदा आ चुका है तो सोच रहे हो ये बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मैं जब भी अर्थ पे फोकस करता हूँ ये बंदा मुझे पीछे से मार ही देता है, पर मेरा पूरा फोकस भाई अर्थ पे ही था इसी खातिर मैं तुरंत उसे मोबिलाइज करके उसे जाके जैसे तैसे एक कॉम्बो बैठा देता हूँ। आगे मैं क्लाउड शेप की मदद से उसके सारे अटैक से बचते जाता हूँ एंड सोशल कुछ खत्म होने के बाद उसे मारना शुरू करता हूँ और ऐसे इसके अटैक से बचते बचाते मैं इसे मारते जाता हूँ एंड इसके एचपी आधी से भी कम कर देता हूँ। पर फिर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है अल्टीमेट अर्थ लावा वुल्फ में। तो इसके आग का मुकाबला आग से करने के लिए मैं भी रेड टाइड में तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड लिटरली रेड टाइड इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके आग वाले बॉडी में अपने अटैक से भाई खुद आग लगा देता है। एंड देन फिर एक फाइनल अटैक करने के बाद हमने इसके एचपी को कुछ ज्यादा ही लो कर दिया था, पर फिर अचानक इसका दोस्त मुझे रोक लेता है मुझे इसे मारने से, पर मैं भी कहा हार मानने वाला था, मैं भी वापस इसे मारना शुरू करता हूँ एंड कुछ अटैक्स के सारे से फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड अब साले तू सता रहा था ना मुझे, एक ये ले खत्म। तो इसे मारने के बाद मुझे इसका डेविल सोल मिला जिसको मैंने तुरंत ही कलेक्ट कर लिया अपने बाटली में और अब फाइनली तरीके से मैं सुकून से विलेज का दरवाजा खोल सकता हूँ। तो फिर क्या था मैंने तुरंत ही दरवाजे को खोला पर बाहर की साइड तो तीरंदाज चूहे मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फिर क्या था मैं रेड टेक का इस्तेमाल करके इन सबको कुछ ही सेकंड के अंदर फिनिश आउट कर देता हूँ एंड फिर इनके बॉस को मारने के बाद मुझे इसका भी सोल मिलता है जिसको भी मैं तुरंत ही कलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज का गेट खोलने के बाद अब मेरी हीलिंग की चिंता खत्म हो चुकी थी तो इस बार मैं इस विलेज के सारे चूहों को मार देता हूँ एंड देन फिर मुझे इस विलेज के सारे खजाने भी मिले जिनको मैंने तुरंत ही कलेक्ट कर लिया। तो सारे चूहों को मार के पूरे विलेज को लूटने के बाद मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट गेट दिखा जिसको ओपन करने के बाद अंदर थे दो खतरनाक चूहे, सेकंड रेड प्रिंस एंड किंग ऑफ द फ्लोइंग सैंड। ये लोग बात कर रहे थे जब तक इनका मास्टर नहीं आता इन्हें उस मॉन्स्टर से बच के रहना होगा। एंड फिर पीछे से अचानक से मैं आता हूँ और ये बुढ़ा मुझे सूंघ लेता है एंड तभी ये कहता है ताजा मांस की खुशबू, हमारा दोपहर का खाने का इंतजाम हो गया। एक्चुअली ये मुझे अपना दोपहर का खाना समझ रहा था। वेल फिर इसका बेटा सेकंड रेड प्रिंस मुझ पर अटैक कर देता है। बैटल के स्टार्टिंग में मैं इसे मोबिलाइज कर देता हूँ एंड पीछे से अटैक करना शुरू करता हूँ, जहाँ पर कुछ ही अटैक्स के बाद मैं इस पे एक कॉम्बो बैठा देता हूँ जिसके बाद मैं तुरंत ही रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड मेरा मेन गोल था इस पे आग लगाने का। तो रेड टाइड के फुर्तीले अटैक के साथ मैं तुरंत ही इस पे कुछ अटैक करके आग लगा देता हूँ और फिर कुछ और अटैक के बाद मैं एक अल्टीमेट अटैक करता हूँ पर ये उस अटैक से बच जाता है, पर जो भी हो मैंने उसे काफी सही डैमेज दे दिया था। और फिर मैं अर्थ का इस्तेमाल करके इसके पास जाते जाते इसे डैमेज देता हूँ और फिर मैं इसे मार ही रहा था कि इसका बाप भी अब पत्थर फेंक रहा था। लिटरली यहाँ भी 2v1 बैटल और ऐसे ही हमारी फाइट और आगे चलती जाती है। मैं उसके अटैक को डॉच करते करते उसे मारता जाता हूँ एंड मैं वेट कर रहा था मेरे मोबिलाइज स्पेल के चार्ज होने का। मोबिलाइज के चार्ज होते मैं इसे रोक के मारना शुरू करता हूँ एंड इस बार मैं उस पर दूसरी कॉम्बो भी बैठाता हूँ जिसके बाद मैं उसे हैवी अटैक भी देता हूँ। लिटरली कहने का तो यह बैटल 2v1 थी पर ये बंदा अकेले ही कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा था। कुछ ही देर के बाद मैं उसके अटैक को डॉच करके उसे हवा में मोबिलाइज करता हूँ एंड इसके ऊपर एक कॉम्बो बैठाने की कोशिश करता हूँ, पर ये बीच में मुझ पे भाई खतरनाक से अटैक कर देता है। पर इसके जवाब में मैं भी उसके नेक्स्ट अटैक को हैवी अटैक से हवा में रोक देता हूँ एंड देन इसका लास्ट अटैक डॉच करके मैं इसे डैमेज देना शुरू करता हूँ एंड फिर उसका और एक अटैक में डॉच करता हूँ, जिसके बाद एक और दो हिट के बाद फाइनली तरीके से ये बंदा हार जाता है और इसी के साथ मैंने सेकंड प्रिंस ऑफ रेड एंड किंग ऑफ फ्लोइंग सैंड को हरा दिया है। इसके हारने के बाद इसका बाप बौखला जाता है एंड मुझे दांत दिखा के यहाँ से भागना शुरू करता है, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं इसका पीछा करूंगा
तो फिर क्या था, मैं तुरंत इसके पीछे निकल पड़ता हूँ। पर यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक श्राइन मिलती है जिसको मैं अनलॉक करता हूँ और यहाँ पर सब कुछ रिसेट करके मैं उसका पीछा करना जारी रखता हूँ। जहाँ पर एक गुफा के अंदर जाने के बाद यहीं पर छुपा था रेड किंग ऑफ द फ्लोइंग सैंड। और फिर मुझे नीचे वो रेड किंग दिखता है जो कि पता नहीं किसी को बुला रहा था। ये अपनी हाथों को काट के खून नीचे गिराता है और अब नीचे से कोई आ रहा था और ये था द फर्स्ट प्रिंस ऑफ द फ्लोइंग सैंड, मतलब इस बुढ़े का पहला बेटा। पर पता नहीं शायद से अभी इसकी दिमागी हालत खराब थी। इसका बाप इसे बोल रहा था तुम्हारा छोटा भाई मारा जा चुका है, तुम्हें उस बंदर को मारना है। पर ये उल्टा अपने बाप को ही खा जाता है और लिटरली अब मुझे एक पागल चूहे से लड़ना पड़ेगा। अब मजा आएगा। तो मैं तुरंत ही निकल जाता हूँ फर्स्ट प्रिंस से लड़ने में, जहाँ पर मैं इसे मोबिलाइज करके तुरंत ही मारना शुरू करता हूँ। पर कुछ ही इट्स के बाद फाइनल ब्लो से पहले ये मोबिलाइज को तोड़ के मुझ पर अटैक कर देता है, जिसके खाते मुझे थोड़ी बहुत डैमेज पहुंचाती है। और इसके बाद मैं तुरंत इसके ऊपर एक बड़ा सा हैवी अटैक करता हूँ। पर पता नहीं ये कुछ ज्यादा उछल कुछ कर रहा था, ये काफी स्लो है। पर इसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये काफी ताकतवर भी है। तो फिर इसका नेक्स्ट अटैक को मैं डॉज करता हूँ एंड देन फिर इसे मारना शुरू करता हूँ। एंड अब मैंने इसका एक हैक निकाल लिया था कि इसके पीछे से मारो, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा है एंड उसको मूव करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो पीछे से मारना बिल्कुल सेफ है और इसी खातिर मैं उसे अच्छी खासी डैमेज दे पाता हूँ। फिर मैं तुरंत ही रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड इसको कुछ ही अटैक करने के बाद इसके बॉडी पे मैं आग लगा देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपना मेन एक अल्टीमेट अटैक करता हूँ जिससे उसे काफी अच्छी डैमेज पहुंचती है। और फिर एक हैवी अटैक करने के बाद मैं तुरंत ही रीट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं तुरंत अपना स्टेट का यूज करके उसे डैमेज देता हूँ एंड देन फिर उसे मोबिलाइज करके इसको काफी अच्छी खासी और मारता हूँ। और फिर एक हैवी अटैक मारने के बाद इसके लास्ट अटैक को क्लाउड स्टेप से डॉज करता हूँ और पीछे से जाके इसे एक लथिया बरसाता हूँ। और कुछ डैमेज देने के बाद मैं और एक कॉम्बो बैठाता हूँ जिसके बाद मुझे इसकी थोड़ी बहुत डैमेज भी लगती है। पर देन फिर मैं दो ही बेसिक अटैक से फाइनली तरीके से फिनिश आउट कर देता हूँ और इसी के साथ फर्स्ट प्रिंस ऑफ द फ्लोइंग सैंड मारा गया। इसके मरने के बाद लिटरली मुझे इसके पास से कुछ खास मिला नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ एंड कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे एक कीड़े दिखता है। वेट, क्या ये चूहे इन कीड़े को खाते हैं? छी। तो फिर मैं इन चूहों के बिल के और अंदर निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर मुझे एक छोटा सा रास्ता दिखता है। तो मैं इसके अंदर भी चला जाता हूँ एंड इसके अंदर था एक बेवकूफ चमगादड़। पता नहीं ये चमगादड़ था या चूहा था उड़ने वाला, पर जो भी हो मैं इस बेवकूफ को तुरंत ही निपटा डालता हूँ अपने स्किल्स से। एंड इसको मारने के बाद मुझे इसका सोल भी मिला जिसको मैंने तुरंत अपने बाटली में भर लिया। और अब मेरे सामने था मेरे किस्मत का चमकता सितारा, तो मैं इसके और दौड़ पड़ता हूँ एंड आगे था क्राउचिंग टाइगर टेम्पल। मुझे पता नहीं इसके अंदर कौन सा खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तुरंत इसके और दौड़ पड़ा एंड यहाँ पर मुझे एक श्राइन भी मिली जिसको मैंने तुरंत ही अनलॉक कर लिया। और इस सफर में मैंने बहुत सारे वुल कमा लिए थे, तो मैंने अपने डंडी को भी अपग्रेड कर लिया। सब्सक्राइब करो वरना इससे मारूंगा तुम्हें। और जब भी मैं इस टेम्पल के अंदर गया ना भाई, यहाँ पर इतने सारे मांस के पीस के बिखरे पड़े हैं। वेल जो भी हो, फिर मैं साइड गया एंड यहाँ पर लिटरली मुझे काफी सारे खजाने मिले। एंड देन मुझे यहाँ पर एक मेडिटेशन वाला इलाका भी मिला जहाँ पर मैंने काफी देर बैठ के मेडिटेट भी किया। और फिर मैं तुरंत इस टावर के अंदर रश कर देता हूँ जहाँ पर मुझे दिखता है कि यहाँ पर तो एक शेर खून से भरे तालाब से खून पी रहा था एंड ये था टाइगर वैनगार्ड। ये मुझसे कह रहा था कि तुम्हें इतनी देर की हो गई, क्या तुम मेरे खाने के लिए और चूहे लेके आए? नहीं तो मैं अगली बार तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगा। ये बंदा मुझे रैट किंग समझ रहा था जो कि अपने जान बचाने के लिए अपने प्रजाति के लोगों को इसे खिलाता था। पर फिर ये मुझे देख लेता है एंड समझ जाता है कि मैं अब वो नहीं हूँ। और पता नहीं ये बंदा मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था एंड देखो इसने खून की नदियां बहा दी। फिर हमारी बैटल शुरू हो जाती है एंड मैं बैटल की शुरुआत में इसे मोबिलाइज कर देता हूँ, पर ये स्पेल को तोड़ तोड़ता मुझे डैमेज दे रहा था। और सच में इसके अटैक कुछ ज्यादा ही फास्ट थे जिन्हें डॉच करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। और अब मैं ये समझ गया था कि यह बैटल बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, तो जैसे जैसे मैं इसके अटैक को डॉच करके उसे मारता जाता हूँ। पर यह चीज लंबे समय तक नहीं चलती क्योंकि उसके फुर्तीलेपन की वजह से मेरे ज्यादातर अटैक मिस हो रहे थे। इसके कुछ अटैक तो मैं डॉच कर रहा था, पर जो मुझ पर हिट हो गए थे ना भाई, वो कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहे थे। तो फिर हमारी बैटल ऐसे चलती जाती है, वो मुझ पर अटैक करता जाता है पर मैं उसके ज्यादातर अटैक से बच के उसे हिट देता हूँ। पर कहते हैं ना, खुशियाँ कुछ पल की मेहमान होती है, क्योंकि फिर अचानक पत्थर का बनता है एंड साइड से आके मुझ पर ऐसा अटैक करता है कि मेरी एक भी डॉट पे आ गई थी। और उठ के मैं पोशन पीऊँ, इससे पहले ये मुझे एक एक से मार देता है। और अब मैं समझ गया था कि ये कोई एरा गेरा बॉस तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मैं इससे दोबारा लड़ने को आया, जहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना स्पेस का इस्तेमाल किया देन फिर मोबिलाइज करके इसे काफी डैमेज दी एंड फिर मैं रेड टाइड में भी ट्रांसफॉर्म हो गया था। पर रेड टाइड इसके स्पीड के आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि रेड टाइड अटैक ही नहीं कर पाता। पर जैसे तैसे मैंने एक हैवी अटैक से इसे काफी अच्छी डैमेज दी
पर अंत में इसने मुझे मार ही दिया। और अब मैं समझ गया था कि इसे ऐसे हराना तो नामुमकिन है। तब रिस्पोन होने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपने एक न्यू आर्मर एंड एक न्यू वेपन अनलॉक करूंगा, तो इसीलिए मैं वहां पर आ जाता हूं जहां पर हमने सेकंड प्रिंस को मारा था। यहां पर साइड में एक ब्रिज था जिसको पार करके मैं तुरंत ही आगे निकल पड़ता हूं। एक्चुअली मुझे यहां पर 6 बुद्धास आई को ढूंढना है जिससे दो स्टोन मॉन्स्टर जागेंगे, एंड अगर मैं उनको मार देता हूँ तो मुझे एक न्यू स्टाफ एंड न्यू आर्मर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक गार्ड था जिसको मैंने तुरंत ही मार डाला, एंड इसके बाद मैं आ चुका था फ्रिज क्लिफ में जहाँ पर हमें जाना है। तो मैं तुरंत इस जगह के लिए रश कर देता हूँ जहाँ पर सबसे पहले मुझे कुछ मॉन्स्टर देखने को मिलता है। तो मैं तुरंत इस मॉन्स्टर को मार देता हूँ एंड फिर मुझे मिल जाता है अपना पहला बुद्धास आई जिसको मैं तुरंत कर लेता हूँ कलेक्ट। और फिर कुछ आगे मुझे एक श्राइन मिलती है जिसको मैं तुरंत ही अनलॉक लेता हूँ। और यहाँ से रेस्ट वेस्ट लेके मैं निकल पड़ता हूँ और बुद्धास आई को ढूंढने जहाँ पर मुझे बहुत से न्यू मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिन सबसे मैं फाइट करता हूँ एंड इन सबको हरा देता हूँ। और फिर मैं और आगे निकल पड़ता हूँ जहाँ पर मुझे फ्री का कुछ विल पॉइंट भी मिलता है, और फिर आगे दूसरा श्राइन भी मुझे मिल जाता है। तो इसको अनलॉक करके मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ एंड देन फिर यहाँ पर मुझे दूसरा बुद्धा आई मिलता है। तो फिर मैं इसे तुरंत ही कलेक्ट करता हूँ और देन फिर थोड़ी बहुत और लड़ाई वड़ाई करने के बाद मुझे तीसरा बुद्धा आई भी मिल जाता है जिसे भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आगे मुझे काफी सारे खजाने मिलते हैं एंड देन फिर मुझे काफी सारे मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं जिन सबको मैं मार के चौथे एंड पांचवें बुद्धा आई को भी कलेक्ट करता हूँ। अभी भी मारे जा रहा है भाई साहब, रुक जा बे, कलेक्ट तो करने दे दे यार हरामी लोग। तो फिर मैं कुछ विल कलेक्ट करके 6 बुद्धा आई की ओर निकल रहा था कि मुझ पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। तो मैंने इन दोनों पत्थर की बहनों को बहुत गंदा मारा जिसके बाद मुझे इनमें से एक ही सोल भी मिली जिसको मैंने कलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ये ले। और फिर 6 बुद्धा आई को ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर इन पत्थरों का जड़ भी मिल जाता है जो कि थी मदर ऑफ स्टोन, मतलब भाई यही सारे पत्थर को पैदा कर रही थी। तो मैं तुरंत इसे मारने लग जाता हूँ, पर यह खुद तो अटैक नहीं करती पर यह बहुत सारे पत्थरों को पैदा कर देती है जो कि बहुत डेडली है। तो मैं समझ गया था कि इनको ऐसे हराना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं चुपचाप आगे निकल के अपने 6 बुद्धास आई को कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरे पास सारे बुद्धास आई हो चुके हैं। तो अब मैं तुरंत ही लड़ने निकल पड़ता हूँ मेरे फर्स्ट स्टोन बॉस से जो कि था एक बहुत ही बड़ा एंड खतरनाक स्टोन का मॉन्स्टर, एंड इसका नाम था स्टोन वैनगार्ड। ये भी टाइगर वैनगार्ड की तरह एक रॉयल गार्ड है पर अब करप्ट हो चुका है। तो फिर हमारी बैटल शुरू होती है एंड बैटल के शुरुआत में ये मुझ पर अटैक करता है जिनसे मैं जैसे तैसे बचता हूँ और उसे दूर से ये खतरनाक हैवी अटैक बैठा देता हूँ। आगे मैं इसके अटैक से बचते बचते इसे मारते भी जा रहा था एंड ऐसे ही करके मैंने इसकी एचपी बहुत ही ज्यादा लो कर दी एंड देन फिर मैंने इसके ऊपर एक हैवी अटैक भी मारा। पर अब मेरी शामत आ चुकी थी क्योंकि उसने अपने छोटे छोटे स्टोन मॉन्स्टर मुझ पर फेंकना शुरू कर दिए। पर मैं भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करके क्लाउड स्टेप से इससे पूरा बच जाता हूँ एंड देन फिर इसका लास्ट अटैक डॉच करने के बाद इसको मैं हिट करता हूँ, पर भाई ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। आगे हमारी बैटल ऐसे चलती जाती है जहाँ पर मैं इसे मोबिलाइज करके बहुत अच्छी खासी डैमेज दे देता हूँ एक कॉम्बो बैठा के। पर इसके कुछ देर के बाद ये मुझे पत्थर फेंकने वापस से शुरू कर देता है, पर मैं इसे तुरंत आसमान में मोबिलाइज कर देता हूँ इसके लास्ट अटैक से पहले एंड ऐसे मैं इसके अटैक से बच जाता हूँ, जिसके बाद मैं रेड टाइड में भी ट्रांसफॉर्म होकर उसे काफी अच्छी खासी डैमेज देता हूँ एंड एक फाइनल ब्लो के साथ उसकी काफी स्पीड ले जाता हूँ। और फिर कुछ अटैक्स के बाद मैं तुरंत डी ट्रांसफॉर्म भी हो गया था जिसके बाद मैं उसे एक लट्ठी भी मारता हूँ। और अब उसकी स्पीड लो है तो मुझे कोई रिस्क भी नहीं लेना, इसी खातिर मैं इसके लास्ट अटैक से बचता हूँ एंड इसके ऊपर अटैक करना शुरू करता हूँ। पर मेरे फाइनल ब्लो मारने के बाद इसके एचपी बाल बराबर से बच गई थी, इसी खातिर ये मुझ पर अटैक करता है। पर मैं इसके ज्यादा क्लोज था इसलिए मैं इसके अटैक से बच जाता हूँ एंड फिर उठ के मैं इसे फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ हमने हरा दिया स्टोन वैनगार्ड को, जिसे हराने के बाद हमें मिला है स्टैननेस ऑफ स्टोन। तो इसे हराने के बाद मैं श्राइन में बैक आता हूँ एंड अब यहाँ पर हमारी एक न्यू आर्मर अनलॉक हो गई थी। तो मैं तुरंत ही इस आर्मर के सारे पार्ट को क्राफ्ट कर लेता हूँ और इस न्यू आर्मर के साथ मैं आ जाता हूँ यहाँ के फाइनल स्टोन बॉस को हराने, जो कि था बहुत खतरनाक। इसको जगाने के लिए मैं अपनी सारी की सारी 6 बुद्धा आई को यहाँ पर छोड़ता हूँ एंड फिर ये जाग जाता है और इसका नाम था सिगान डेंग, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्टोन मॉन्स्टर था। एंड लिटरली ये बस चलने भर से मुझे खतरनाक डैमेज दे रहा था एंड इसके अटैक इतने अजीब थे कि इनको प्रेडिक्ट कर पाना तो इम्पॉसिबल था। लिटरली ये पिछले वाले से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर जो भी हो मैंने इसे मोबिलाइज करके इसके ऊपर खतरनाक अटैक की एंड एक कॉम्बो तो बैठा ही दी, जिसके बाद मैंने अपना स्पीड से भी उसे डैमेज दिया, जिसके बाद मैं इसके ज्यादातर अटैक को डॉच करके इसे मारता जाता हूँ खतरनाक तरीके से। और फिर मैं एक हैवी अटैक से इसकी एचपी आधी से भी कम कर देता हूँ, पर शायद ये मेरी गलती थी क्योंकि इसके बाद ये खतरनाक सा अर्थक्वेक करता है जिससे बचना तो लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन मैं इसके डेडली अटैकों से बचते बचाते इस पर डैमेज देता जाता हूँ एंड इसकी एचपी आधी से भी कम कर देता हूँ। और फिर क्लाउड स्टेप से इसका नेक्स्ट अटैक को डॉच करके मैं उसे खतरनाक से और डैमेज देना शुरू करता हूँ एंड इसकी एचपी पूरी की पूरी लो कर देता हूँ। एंड देन फिर दूर जाके मैं तुरंत रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म होता हूँ
एंड उसके फाइनल अटैक को डॉच करते हुए उसे फिनिश आउट भी कर देता हूँ। एंड इसी के साथ हमने इस बड़े से स्टोन मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिसके बाद हमारी एक न्यू स्टाफ खुल चुकी है, पर हमारे पास विल पॉइंट कम है तो फिलहाल हम इसे क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैं कुछ विल पॉइंट कमाने के लिए जर्नी पे निकलता हूँ एंड हमने जहाँ पर स्टोन वैनगार्ड को मारा था ना, उसके मैं थोड़ा राइट साइड में जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक सुअर मिलता है जो कि मुझे बोल रहा था मैंने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है, इस खातिर मेरा मिशन फेल हो चुका है, जाओ कोई ऐसा चीज ढूंढो जिससे मैं अपना नशा उतार सकूँ। एक सेकंड, मैं क्यों तेरी मदद करूँ भाई। इसके आगे मुझे एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है जहाँ पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, पर इतना बड़ा छेद होने के बावजूद भी मैं इसमें नहीं घुस पा रहा। तो फिर मैं स्टोन वैनगार्ड के पीछे से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा रैट मिलता है जिसको मैं टपका डालता हूँ एंड देन फिर मुझे उसकी सोल भी मिलती है। सोल को लेके मैं नीचे निकल पड़ता हूँ एक नई अद्भुत शक्ति को ढूंढने और उसी रास्ते में एक सुनहरे बक्से से मुझे मिल जाती है सेलेस्टियल टाइप पिल, जिससे कि फाइनली मेरी माना कुछ हद तक बढ़ जाती है। और फिर थोड़ा और नीचे जाने के बाद मुझे काफी सैंड दिखती है जहाँ पर मैं स्लाइड करना शुरू करता हूँ एंड लिटरली यहाँ पर बहुत सारे चूहे थे जो मुझ पर बॉम्ब वॉम्ब फेंक रहते हैं, पर मैं इन सबको इग्नोर करके आगे निकलता जाता हूँ एंड पूरा नीचे जाने के बाद मुझे एक जगह मिल जाती है जहाँ पर आते ही मुझे यहाँ पर एक श्राइन दिखता है, पर अचानक फिर यहाँ से सरकटा प्रकट होता है एंड ये आने के बाद ये कुछ गाना गा रहा था, फिर ये वो अद्भुत शक्ति मुझे दे देता है जो कि था द लेजेंडरी क्लॉक ऑफ मैनी एंड लिटरली मुझे यही चाहिए था। इसको पाने के साथ साथ ही मैंने सबसे पहले श्राइन को अनलॉक किया और अब मेरे पास बहुत सारे विल पॉइंट हो चुके थे तो फाइनली तरीके से मैंने अपने स्टाफ को भी क्राफ्ट कर लिया। तो अब मेरे पास सारी चीजें हो चुकी थी तो मैंने सोचा आगे वाके जाके देख लेते हैं अगर कोई बॉस वॉस मिल गया तो फिर, एंड लिटरली आगे मुझे एक बॉस मिल भी जाता है जिसको मैं तुरंत ही पहले क्लट्टी बजाता हूँ और देन फिर अपने क्लॉक ऑफ मैनी का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे क्लोन बुला लेता हूँ एंड लिटरली इसके साथ मेरे सारे क्लोन्स मिलकर इसको बहुत गंदा पीट रहे थे जो कि बहुत अमेजिंग है एंड हम सब मिलकर कुछ ही देर के अंदर इस बंदे को लो कर देते हैं। तो फिर फाइनली तरीके से मैं फाइनल ब्लो देके इसे फिनिश आउट कर देता हूँ एंड इससे मुझे एक स्पिरिट भी मिलती है जिसको मैं तुरंत ही कलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब चीजों के आगे एक बड़ा दरवाजा था एंड जब भी मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ मैं आ जाता हूँ वही पर जहाँ पर हमने फर्स्ट रेड प्रिंस को मारा था एंड दैट मीन्स ये जगह इस सफर का एंड है एंड मैं जितनी भी पावर ग्रैब कर सकता हूँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसी खातिर अब मैं इन सारी शक्तियों के साथ वापस आ जाता हूँ टाइगर वैनगार्ड से लड़ने। खून के तालाब में आते ही टाइगर वैनगार्ड हम पे अटैक करना शुरू करता है, पर उसके अटैक को मैं डॉच करके तुरंत अपने क्लॉक ऑफ मैनी को बुलाता हूँ और फिर इसे मोबिलाइज करके मारना शुरू करता हूँ। पर यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही पहले उसे मोबिलाइज कर दिया था तो इसी खातिर मैं अपने स्पिरिट का इस्तेमाल करके थोड़ा उसे और ज्यादा देर तक स्टन करता हूँ, जिसके खातिर हम थोड़ा अच्छा खासा उसे डैमेज दे पाते हैं और लिटरली स्टार्टिंग में मैंने उसे बहुत अच्छी खासी डैमेज दे दी थी और अब मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके आया हूँ, इसके खातिर मैं इसके ज्यादातर अटैक को डॉच कर सकता हूँ और फिर राहत की सांस लेके पीछे खड़ा ही था कि मैं इसके ऊपर एक हैवी अटैक भी दे देता हूँ एंड अब फाइनल तरीके से स्टोन का बन चुका था एंड मुझे पता है अब क्या होने वाला है। तो इसी खातिर मैं तुरंत इसके अटैक से बचता हूँ क्लाउड स्टेप से एंड देन फिर इसे मारता हूँ और ऐसे ही हमारी भागा दौड़ी चलती जाती है। ये अटैक करता है, मैं इसके ज्यादातर अटैक से बचते जाता हूँ एंड ऐसे ही मैं खतरनाक तरीके से इसके ऊपर बच बच के अटैक भी कर जाता एंड फिर मैं तुरंत ही रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड इस बार लिटरली मैं रेड टाइड का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था एंड इसके ज्यादातर अटैक से मैं इजी तरीके से बच रहा था। लिटरली मैंने काफी ट्रेनिंग की है, पर आगे ये अपने शरीर को पत्थर का बना के रेड टाइड पे एक घुसा मार ही देता है, पर अभी यह हमारा टाइम था क्योंकि रेड टाइड का अल्टीमेट मूव चार्ज हो गया था जिसके खातिर मैं उसे बहुत अच्छी खासी डैमेज दे पाया एंड फिर एक हैवी अटैक के बाद ही मैं रीट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। रभी मेरी सारी स्पेल्स ट्रांसफॉर्म एंड सब कुछ खत्म हो चुका था, इसी खातिर मैं बहुत सावधानी से लड़ रहा था, पर फिर अभी अपना सबसे खतरनाक अल्टीमेट अटैक कर रहा था जिससे मैं इस बार बहुत नजदीक से आइकॉनिक तरीके से बचता हूँ और फिर ऐसे ही हमारी फाइट आगे बढ़ती जाती है जहाँ पर मैं इसके खतरनाक अटैक से बचते जाता हूँ एंड अभी इसकी स्पीड काफी लो थी तो मैंने सोचा मैं एक ही बार में इसे फिनिश आउट कर दूंगा, पर इसी खातिर लिटरली मुझ पे कुछ शॉट बैठा देता है, पर मैं इसके कुछ अटैक को तो डॉच कर देता हूँ जिसके बाद ये मेरे व्यू एंगल से दूर जाके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसे बच के तुरंत ही उसे एक हैवी अटैक मार के फिनिश आउट कर देता हूँ एंड इसी के साथ मैंने फाइनल तरीके से हरा दिया है टाइगर वैनगार्ड को। इस बंदे को हराने के बाद भाई मुझे बहुत खुशी हो रही थी एंड देन फिर ये तुरंत पत्थर का बनता है एंड उसी के बाद ही ये सरकटा यहाँ पर आ जाता है जो कि गाना गा रहा था कुछ स्टोन मंकी के बारे में, पर अब ये टाइगर वैनगार्ड पत्थर का टुकड़ा बन के आसमान में निकल जाता है एंड तभी सरकटा उसके पावर को इकट्ठा करके मुझ पर एक जादू चलाता है जिससे फाइनली मुझे पावर मिल जाती है अपने बॉडी को रॉक सॉलिड मतलब स्टोन जैसा बनाने का एंड ये बहुत अमेजिंग है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं इस पावर का हम लोग क्लाउड स्टेप के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब रॉक सॉलिड या क्लाउड स्टेप में से किसी एक को ही हम लोग एक ही टाइम में इक्विप कर सकते हैं। टाइगर वैनगार्ड को मारने के बाद मुझे ऊपर एक जगह दिखा जहाँ पर जाने के बाद मैंने स्टोन वैनगार्ड को मार के जो चीज हासिल की थी वो इस शेर के मुंह में लगा दी
जिसके बाद अचानक से ये पूरा मंदिर हिलना शुरू हो जाता है और नीचे से एक बड़ा शेर का मुंह निकलता है जो कि इस तालाब के सारे खून को पी रहा था और देखते ही देखते ये इस तालाब के सारे खून को पी जाता है। तो फिर मैं तुरंत ही शेर के मुंह के अंदर रश करता हूँ, जहाँ पर अंदर जाने के बाद मैं नीचे उतरता हूँ एंड नीचे मुझे काफी सारे अंडर्स मिलते हैं जिनको मैं तुरंत ही मार गिराता हूँ एंड देन फिर मुझे मिलता है सेलेस्टियल जेट लोटस, जिससे फाइनली मेरी एचपी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ एंड आगे मुझे एक अंडेड की ग्रुप मिलती है, तो मैं डेड टाइट का इस्तेमाल करके इन सबको यहाँ से मार के आता हूँ, जिसके बाद इनके बॉस को मारने के बाद मुझे इसकी सोल भी मिली जिसको मैंने तुरंत कलेक्ट कर लिया। तो फिर मैं इस गुफा से बाहर आ गया एंड बाहर आके मुझे रेड की स्लाइड वापस से मिली, जहाँ पर मैं तुरंत स्लाइड मार के नीचे चला जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मिडिल में मुझे एक श्राइन दिखता है, तो मैं तुरंत इसे अनलॉक कर लेता हूँ और उसी के सामने यहाँ पर था उस डॉग का लैब जिसकी हमने मदद की थी फ्रॉग को मार के। एक्चुअली ये बंदा यहाँ पर मेडिसिन बनाता है जो कि बहुत कमाल की चीज है एंड फिर जब मैं देखता हूँ उसके पास क्या है, लिटरली ये बंदा सेलेस्टियल मेडिसिन भी बना सकता है, तो इसको फिर मैं तुरंत ही कुछ माइंड कोड देता हूँ जिससे मैं इसको सेलेस्टियल टाइप पिल बनाने को बोलता हूँ एंड लिटरली भाई ये अपने फर्नेस में भाई कुछ तो कर रहा था, जिसके बाद फाइनली तरीके से हमारी पिल रेडी हो गई। तो फिर इसने मुझे ये डिलीवर की एंड लिटरली मुझे इससे 40 प्लस माना मिल गया और अब मैं स्पेल को ज्यादा कास्ट कर सकता हूँ एंड ये लिटरली नॉर्मल मेडिसिन भी बना सकता है, पर मुझे इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं। तो फिर मैं इन सबको लेके आ जाता हूँ मदर ऑफ स्टोन को मारने, बिकॉज इसने मुझे पहले बहुत सताया था। सबसे पहले मैं इसके पास आके क्लॉक ऑफ मैनी को छोड़ता हूँ एंड देन फिर हम सारे मिलकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, पर अफकोर्स की कुछ देर के बाद ही अपने कुछ नए बच्चे ला देती है जो कि भाई हम पे अटैक करना शुरू करते हैं। तो फिर गाता है मैं इन माँ बेटों को एक साथ मारता हूँ और फिर वापस लग जाता हूँ मदर ऑफ स्टोन को पीटने। बाय द वे हम सब ने मिलकर इसकी बहुत ज्यादा स्पीड लो कर दी थी, पर कुछ देर के डैमेज के बाद इसने अपने कुछ नए बच्चे दे दिए थे एंड एक्चुअली ये सारे खतरनाक थे, मुझे मारने नहीं दे रहे थे मदर ऑफ स्टोन को। तो मैं क्लब स्टेप से इनके अटैक से बच के इनको दो दिन बैठाता हूँ, जिसके बाद गुस्से में एक हिट इस मदर ऑफ स्टोन को भी देता हूँ क्योंकि सारा जंजर इसने क्रिएट किया है ना एंड देन से मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ रेड टाइट्स में एंड इन लोगों को थोड़ी बहुत डैमेज देके अपने अटैक को चार्ज करता हूँ और फिर अटैक चार्ज होने के बाद मैं निकल जाता हूँ मदर ऑफ स्टोन के पास एंड इसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करके इसको फिनिश आउट कर देता हूँ। भाई सीधा प्रॉब्लम के जड़ को उड़ा दो, प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। वैसे इसको मारने के बाद मुझे स्टोन एसेंस मिला, तो अब उस स्टोन एसेंस का मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। सो देन फिर मैं एक दो घंटे तक फार्मिंग करता हूँ यहाँ के सारे बॉसेस को मार के, जिसके बाद मैंने कमा लिए थे 12,000 हुल पॉइंट। तो फिर मैं उन सबको लेके यहाँ पर आ जाता हूँ जहाँ पर एक केज के अंदर कोई बंद था एंड ये कह रहा था कि इसके अंदर लाइफ नहीं है एंड इसको लाइफ लाने के लिए उस मदर ऑफ स्टोन को मार के उसका स्टोन इसे देना पड़ेगा। हमने उसे ऑलरेडी मार दिया था, तो मैंने उसका स्टोन एसेंस इसको दिया, पर उठने के बाद ये एहसान मनाने की जगह मुझ पर अटैक कर देता है, तो मैं तुरंत भाई रेड टाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड इस पे भाई अपनी बहुत सारी हैवी अटैक बैठाता हूँ, जिसके बाद मैं क्लॉक ऑफ मैनी को बुलाता हूँ एंड हम लोग मिलकर कुछ ही देर के अंदर इस बंदे को खत्म कर देते हैं एंड फाइनली तरीके से इसके बाद ये हार चुका था और ये हारने के बाद ये हमसे अपनी जान की भीख मांगता है, पर हम भाई इसके अंदर का जान तुरंत ही निकाल लेते हैं एंड इससे हमें मिलता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये काफी अजीब है, इसका नाम है अजूर डस्ट जो कि मैं तुम्हें कभी बाद में दिखाऊंगा। और इसको मारने के बाद ये अब कुछ चीजें बेचता है जिनमें से मुझे ये सम्बलिंग स्टोन चाहिए था, जिसको मैं तुरंत ही बाय कर लेता हूँ और इसको लेके मैं आ जाता हूँ सुअर के पास एंड एक्चुअली ये इसको खाने के बाद इसकी जो नशा थी वो उतर उतर जाती है। इसके बाद ये बोलता है इसे भूख भी लगी है, तो ये क्राउचिंग टाइगर टेम्पल जा रहा है कुछ खाने। तो फिर मैं यहाँ पर आके इससे मिलता हूँ एंड यहाँ पर ये चूहों की मांस को खा के भाई बिल्कुल मोटा हो गया था और अभी अपने मिशन पे मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। तो फिर मैं तुरंत ही आ जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और अभी ये मुझसे बैटल करके ये देखना चाहता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि नहीं कि मैं इसके साथ जा सकूँ। वेल सबसे पहले मैं अपना लट्ठी से चपाटा मार के बैटल की शुरुआत करता हूँ, जिसके बाद ये मुझ पर धूल फेंकना शुरू करता है, पर मैं तुरंत ही अपने क्लोन्स को बुलाता हूँ एंड देन फिर इसे मोबिलाइज करके बहुत गंदा फूटना शुरू करता हूँ। पर जो भी हो ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था, इसके अटैक बहुत ज्यादा फास्ट थे जिनसे बचना थोड़ा बहुत तो मुश्किल था, तो मैं इसका अटैक क्लाउड स्टेप से डॉच करता हूँ एंड फिर इस पर दोबारा मारना शुरू करता हूँ, जिससे मैं इसे काफी ज्यादा डैमेज भी दे देता हूँ एंड फिर पीछे आके मैं तुरंत ही रेड टाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड फिर रेड टाइट के अटैक के साथ मैं इसे बहुत ज्यादा लो कर देता हूँ एंड फिर अपने स्प्रेड का एक ही अटैक करने के बाद फाइनली हार जाता है। तो इस मोटे सुअर के हारने के बाद फाइनली मान जाता है कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्गर हूँ एंड मुझे अपने साथ ले जाने को बिल्कुल मान जाता है, जिसके बाद बोलता है कि तुम मेरा पीछा करो और मेरे पीछे भी जाओ एंड फिर ये भाई उस बड़े दरवाजे के पास जाता है एंड यहाँ जाके लिटरली ये इस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। भाई मैं नहीं घुस पाता, ये कैसे घुस गया बे? तो सुअर को हराने के बाद मुझे उसका मार्क्स मिला जो कि बहुत बेकार है। तो फिर मैं सुअर के पीछे पीछे इसके अंदर निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर अंदर आने के बाद हमें देखने को मिलता है ये जगह तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है
एंड ये सुअर भी इस जगह को देख रहा था। और फिर ये हमें बताने लग जाता है इस जगह की एंशिएंट टाइम्स की बात। इसने हमसे कहा कि ये जगह जो अभी बंजर पड़ी है, यहाँ पर कभी एक राज्य बसा करती थी, पर अचानक से ही यहाँ पर एक दिन एक बहुत बड़े बीटल ने अटैक कर दिया था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि कोई हथियार उस पर काम ही नहीं आते थे और वो आते जाते मुसाफिरों को खा जाता था और इसी वजह से राज्य में उथल पुथल मच गई थी। पर एक पीले चूहे ने उस बीटल से बाहर आती हुई अद्भुत शक्तियों को समझा और उसको रोक के उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगा, जिसके वजह से राजा ने खुशी होकर उसको रॉयल सेज का टाइटल भी दे दिया था। पर फिर वो करप्ट हो जाता है एंड यांगमोंग को पकड़ता है और फिर हुकोंग के जर्नी टू द वेस्ट के टाइम उसकी बैटल हुकोंग से भी होती है इस पहाड़ के ऊपर और उस बैटल में ये पूरी की पूरी पहाड़ी तबाह हो जाती है एंड यहाँ पर ऐसे विंड छा जाता है। वो कीड़ा उस चूहे की शक्ति का मुख्य स्रोत था, इसलिए वो वहाँ पर रुक गया और उसके प्रोटेक्शन के बिना वो राज्य भी तबाह हो गया। और ये आगे मुझे और कुछ बता रहा था कि अचानक मेरी तरफ एक चीज आती है एंड मुझे टेलीपोर्ट कर देती है पास्ट में और अब मैं टाइम ट्रेवल करके उस जगह पे आ चुका था जिस समय पे वो चूहा जिंदा था। वेल फिर क्या था, मैं आगे निकल पड़ता हूँ पर यहाँ पर आगे मुझे किसी की साउंड आ रही थी एंड ये था ओल्ड टाइगर वैनगार्ड, मतलब अभी जो टाइगर वैनगार्ड है ना, ये इसका बाप है एंड लिटरली ये भी काफी ज्यादा ही खतरनाक है बिकॉज ये है टाइगर वैनगार्ड, तो खतरनाक तो होना ही है। वेल मैं इसके बेटे को हटा चुका हूँ तो ये भी हमारे लिए ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, पर इसके अटैक काफी ज्यादा फुर्तीले हैं। जहाँ पर इसका बेटा मार्शल आर्ट को यूज कर रहा था, पर ये तो भाई एक वाइल्ड शेर की तरह खतरनाक कुछ पे अटैक करता जाता है, पर मैं इसके ज्यादातर अटैक को डॉज कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं तुरंत अपने क्लॉक ऑफ मनी से बहुत सारे क्लोन्स को बना लेता हूँ एंड इसे मोबिलाइज करके मारना शुरू करता है। मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, मैं इसे मारता नहीं, उल्टा मैं इसे हिट करता हूँ एक सुपर डुपर अटैक से और मेरे सुपर डुपर अटैक की गलती की वजह से मैं इसके पास आधी एचपी खा पाया था। वेल फिर मैं रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड उससे मैं इस पर डैमेज देना शुरू करता हूँ, पर भाई ये भी पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर थोड़ी देर के लिए। वेल रेड टाइड से मैं इसे थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ, पर अभी भाई ये और ज्यादा खतरनाक हो चुका था, भाई इसके अटैक कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है अभी फिलहाल। तो फिर मैं इसे तुरंत ही मोबिलाइज करता हूँ एंड देन फिर मैं इसे मारना शुरू करता हूँ, पर मोबिलाइज खत्म होते ही ये पत्थर का बन जाता है। तो फिर मैं पीछे जाके इसका बॉडी नॉर्मल होते ही हैवी अटैक मार देता हूँ। भाई इसके बेटे से लड़के काफी एक्सपीरियंस है मुझे, तो फिर मैं इसके लास्ट अटैक को क्लाउड स्टेप से डॉच करता हूँ एंड देन फिर इसे लात मार के इसे एक दो अटैक करके फाइनली मैं फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ फाइनली ये टाइगर वैनगार्ड हार चुका है एंड इसके हारने के बाद भाई ये मुझसे माफी मांगना शुरू करता है कि प्लीज मुझे मत मारो एंड ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हो, प्लीज मेरी मालिक की मदद करो उस कीड़े को मारने में एंड ठीक है, मतलब कह रहा तो कर देंगे, आखिरकार मैंने तेरे बेटे को मारा है तो इतना आसान तो बनता ही है। वेल फिर मैं तुरंत ही आगे की साइड निकल पड़ता हूँ उसके मालिक को ढूंढने, पर यहाँ पर जाने के बाद मैं आ गया था किंगडम ऑफ सहाली में। तो फिर मैं आगे निकल पड़ता हूँ एंड यहाँ पर आके मुझे सबसे पहले एक श्राइन दिखती है जिसको मैं तुरंत अनलॉक करता हूँ एंड देन फिर यहाँ पर घूमते घूमते मुझे कुछ खजाने भी मिलते हैं और फिर मैं निकल पड़ता हूँ उसके मास्टर को ढूंढने, जहाँ पर कुछ देर के ढूंढने के बाद ही पीला चूहा मुझे मिल जाता है। तो फिर मैं तुरंत ही आ जाता हूँ इस ससुर की नाती की मदद करने, पर यहाँ पर आने के बाद ये मुझे बोलता है तुमने मेरे वैनगार्ड को बीट कर दिया, जरूर से तुम बहुत शक्तिशाली हो। यहाँ पर नीचे एक कीड़ा है जो कि ड्रम बजाने से ही बाहर आता है, तो ये कीड़े को मारना एंड ड्रम बजाना दोनों एक साथ नहीं कर सकता, तो मुझे जाके नीचे उस कीड़े को मारना पड़ेगा, तो ये ड्रम बजाएगा एंड मुझे जाके उस कीड़े को मारना पड़ेगा एंड अगर सही टाइम हुआ तो वो मुझे बोलेगा उसके वैसल निकालने को, जिससे कि वो कीड़ा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ये सब बोलने के बाद ये चूहा अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है एंड इसके ड्रम बजाने के साथ साथ ही हवा में कुछ हलचल होने लगती है एंड देन फिर जमीन के अंदर से वो कीड़ा बाहर निकल जाता है एंड ये था एक बहुत खतरनाक सा बड़ा सा बीटल। वेल ये जो भी है भाई काफी खतरनाक था, पर मुझे इससे अभी 1v1 करना है भाई, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है फुबान। वेल जो भी हो फिर मैं निकल जाता हूँ इससे बैटल करने एंड एक हीरोइक एंट्री मारने के बाद भाई ये बंदा तुरंत ही नीचे घुस जाता है और अब मैं डर रहा था कि ये निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से भाई एंड फिर अचानक से ये साइड से आना शुरू करता है एंड बहुत ऊपर से आके मुझ पर जंप करता है एंड लिटरली मुझे इसकी टाइमिंग समझ नहीं आ रही थी तो मैं इससे बच भी नहीं पाता, जिसके बाद मैं अपने अटैक को चार्ज करता हूँ इसे मारने के लिए, पर इसके बड़े साइज की वजह से भाई इसको फायदा हो रहा था हर चीज में, मतलब इसको मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है मेरे भाई। तो फिर ये मुझ पर कुछ अटैक करता है जिससे मैं जैसे तैसे बच के इसे मारना शुरू कर देता हूँ, पर दिक्कत की बात ये थी कि इसके हाथ में मुझे मारना पड़ेगा, पैरों में मारने से कोई डैमेज ही नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे करके बहुत उस पर मारता जाता हूँ एंड फिर मैं रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एंड मेरा मेट बोलता है उसे आग लगाने का। वेल उसके बीच में रह रहे के मैं रेड टाइड से उससे काफी अच्छा डैमेज दे पा रहा था एंड एचपी की मुझे चिंता नहीं थी बिकॉज एचपी तो भाई इसकी आ ही जाती है, बट फिर जैसे तैसे इस पर आग लग जाती है एंड देन फिर मैं एक अटैक करके डी ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। और अब मैंने अपने क्लॉक ऑफ मैनी को छोड़ दिया था इसे मारने को, पर बंदा क्या करता है पता है,
कुछ अटैक खाने के बाद ही ये बंदा कुछ अलग से एक्ट करना शुरू कर देता है एंड जमीन के अंदर खोद खोद के जमीन के अंदर निकल जाता है। मेरे क्लॉक ऑफ मनी तो वेस्ट हो गया भाई। तो मैं इंतजार कर रहा था उसके अटैक करने का एंड कुछ देर के बाद वो मेरी तरफ फुल स्पीड से आके अटैक करता है जिसको मैं डॉच कर लेता हूँ। पर इसका सेकंड अटैक बहुत खतरनाक था जिसको मैं जैसे तैसे डॉच करता हूँ। और फिर ये जब तीसरी बार डाइव मारता है ना, ये इस बार काफी ज्यादा स्लो था, इसी खातिर मैं इस अटैक को डॉच ही नहीं कर पाता। एंड देन फिर इसके फोर्थ अटैक के टाइम ये मेरे पास आ जाता है, पर तभी ये बंदा यहाँ से जोर जोर से ड्रम बजाना शुरू करता है एंड मैंने इसके एचपी ऑलरेडी बहुत लो कर दी थी, इसी खातिर अब ये ऊपर आ जाता है पर ड्रम की साउंड से ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग होकर बेहोश हो जाता है एंड अब मुझे इसकी वेसल निकालनी थी। तो फिर क्या था, मैं तुरंत इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ एंड जैसे तैसे इसके सर के पास जाके इसके सर में जो बुद्धा आई थी उसको तुरंत ही निकालता हूँ एंड इसके अंदर थी एक वेसल जिसको मैं तुरंत ही कर लेता हूँ हासिल। पर इसको लेने के बाद ये कीड़ा तुरंत ही जाग जाता है एंड अब ये और ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा था बिकॉज मैंने इसका मेन वेसल निकाल लिया एंड अब ये ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता एंड इसी खातिर ये येलो रेड भी हमारे फाइट को ज्वाइन कर लेता है एंड भाई लिटरली ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था बिकॉज ये अपने विंड से इसको दूर भगा रहा था एंड अब ये 2v1 बैटल हो चुका था। पर लिटरली ये येलो रेड पहले जाके इसके भाई खतरनाक सा डैमेज देना शुरू करता है। लिटरली मैं इसे मोबिलाइज करता हूँ पर इसके तोड़ के देखो कितना खतरनाक डैमेज दे रहा था, लाइक मेरे हेवी अटैक से ज्यादा ये अपने एक अटैक में डैमेज दे रहा था जो कि बहुत डेडली बात है। फिर मैं एक अटैक करके इस चिड्डे को गिरा देता हूँ एंड देन फिर रेड टाइड में ट्रांसफॉर्म होकर एक दो अटैक के बाद ही मैं इसे फिनिश आउट कर देता हूँ और फाइनली योल गाय किंग फुबान हार चुका है। हारने के बाद भी पता नहीं कीड़ा कैसे मुझ पर अटैक कर रहा था एंड जैसे तैसे मैं इसके अटैक से बचते जाता हूँ पर फिर अचानक से इसके अटैक आके रोक लेता है यहाँ पर येलो रेड जो कि भाई अपने त्रिशूल से इसको दूर भगाता है एंड फिर इन दोनों के एक बहुत खतरनाक बैटल होती है जहाँ पर येलो रेड इसे नीचे गिरा के अपने त्रिशूल से एक ऐसा वार करते हैं एंड इसको एक ही वार में वो ढेर कर देते हैं एंड फाइनली तरीके से अब ये कीड़ा मारा जा चुका है। इस कीड़े के मरने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता, तुरंत ही एक एनिमेशन आती है एंड मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ रियल वर्ल्ड में। पर इस बैटल को करने के बाद मुझे एक रिवर्ट मिला था जो कि था विंड टेमर एंड इससे मैं तूफानी हवाओं को रोक सकता हूँ, तो मैंने तुरंत ही इसे इक्विप कर लिया। पर साथ में मेरी एक न्यू मार्क्स भी खुली थी पर फिलहाल मैंने इसको क्राफ्ट नहीं किया। तो अब फाइनल फाइट से पहले मैं कुछ साइड मिशन करने निकल पड़ता हूँ जहाँ पर मैं कुछ खतरनाक रेड्स को हराता हूँ जिससे कि मुझे उनका डेविल सोल भी मिलता है एंड देन भी मैं बहुत आगे निकल गया था और एक खतरनाक बॉस के पास जहाँ पर जाके मैं सबसे पहले क्लॉक ऑफ मनी का इस्तेमाल करता हूँ और इस बॉस को मोबिलाइज करके हम लोग बहुत गंदा मारते जाते हैं एंड लिटरली हमारी पावर इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड के अंदर ये बॉस बिल्कुल लो हो गया था और देन फिर मैं और मेरे क्लोन्स मिलके इसके पर और ज्यादा रश करते हैं एंड कुछ ही सेकंड के अंदर इसे मार डालते हैं एंड इसके बाद मुझे इसका सोल भी मिला था जिसको मैंने कलेक्ट किया एंड अब फाइनल तरीके से मैं इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ कि मैं फाइनल बॉस को हरा हूँ। इसी खातिर मैं टाइगर टेम्पल के पीछे वाले श्राइन में आ जाता हूँ जहाँ पर इस बंदे से मैं कुछ सेलेस्टियल मेडिसिन भी बनाता हूँ एंड इससे फाइनल तरीके से मेरी एचपी थोड़ी बहुत बूस्ट हो गई थी। तो अब यहाँ के नीचे है वो फाइनल बॉस जो कि सबसे खतरनाक है, मैं उसे हराने के लिए उसकी ओर दौड़ तो पड़ता हूँ पर मेरे दिल में एक क्वेश्चन थी, क्या मैं उसे हरा पाऊंगा इन पावर्स के साथ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। पर फिर भी मैं उसके अंधेरी तूफान की ओर चल पड़ा जहाँ पर अंदर वो सबसे खतरनाक बॉस था एंड ये था वही रेड जिसकी हमने पहले मदद की थी एंड अब कुछ हजार साल बाद ये बिल्कुल करप्ट हो चुका है एंड तुम सोच ही सकते हो ये पहले इतना स्ट्रॉन्गर था कि उस कीड़े को इतना डैमेज दे रहा था पर अब इसने उस कीड़े के पावर को हासिल भी कर लिया एंड इसके पास मंकी किंग का एक सेज भी है, तो सोचो ये कितना शक्तिशाली होगा। और फिर इसकी लड़ाई हमसे शुरू हो जाती है। वेल, लड़ाई के शुरुआत में ही मैं इसके पहले अटैक को डॉच करता हूँ एंड देन फिर इसके दूसरे अटैक को भी डॉच कर लेता हूँ और फिर इसे मोबिलाइज करके तुरंत ही मैं इसे डैमेज देना शुरू करता हूँ एंड फिर शक्ति के साथ इसके ऊपर एक कॉम्बो बैठाता हूँ जिसके बाद मैं अपने स्पीड से भी इसे डैमेज देता हूँ। वेल, फिर ये दौड़ के आके मुझ पे ऐसा अटैक करता है जिससे मैं बच नहीं पाता और अब इसके सारे मूव मेरे लिए बहुत न्यू थे जिनसे मैं बच तो नहीं पाता लेकिन मैं इसके सारे मूव को ऑब्जर्व करता जाता हूँ। तो फिर मौका देखते ही मैं अपने क्लोन्स को बुलाने लगता हूँ पर इसमें भी ये मुझ पर डैमेज दे देता है। पर जैसे तैसे मैं इन सबसे बच के इसे मोबिलाइज करके सारे क्लोन्स के साथ मिलकर इसे मारना शुरू करता हूँ एंड इससे मैं इस पर एक कॉम्बो बैठा पाता हूँ एंड देन फिर मैं इस पर एक हैवी अटैक भी करता हूँ और फिर एक छोटी अटैक के बाद इसकी एचपी आधी हो गई थी एंड अब ये अपने समाधि विंड्स को बुला रहा था जिसके खातिर पूरी स्क्रीन पे धूल ही छा गई थी एंड मुझे कुछ दिख तक नहीं रहा था।
और अब ये और खतरनाक हो चुका था। ये लगभग गायब होते हुए मुझ पर अटैक कर रहा था। लिटरली इसके अटैक को ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही डेडली है एंड इसी खातिर मैं इसके अटैक से बच भी नहीं पाता। अब इसके सारे अटैक पहले से ज्यादा डेडली एंड खतरनाक हो चुके थे और फिर कुछ देर के बाद ये चिल्ला के उस कीड़े को मुझ पर फेंकता है जिसको हमने मिलकर हराया था। वाले इस कीड़े के अटैक एंड इसके अटैक में दोनों को डॉच कर लेता हूँ और अब इसके ज्यादातर खतरनाक अटैकों से मैं जैसे तैसे बचता जाता हूँ एंड उसको मारने की कोशिश करता हूँ। पर इन सब का क्या ही फायदा जब ये एक ही खतरनाक अटैक से मेरा खेल खत्म कर सकता है। वेल पहली बार में तो ये मुझे हरा देता है पर देन फिर मैं वापस आता हूँ उससे लड़ने। पर इस बार भी रिजल्ट सेम आया था, ये मुझे अपने अटैकों से मार के जाता है। और अब इससे हजार बार लड़ते लड़ते इससे हारने के बाद मुझे अकल आ गई थी कि ऐसे तो भाई इसे नहीं हराया जा सकता, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। तो इस बार रिस्पॉन होने के बाद मैं अपनी फोकस पॉइंट को सही सही जगह लगाने लगा। लाइक मैंने थर्स्ट को काफी ज्यादा अप कर दी जिसका मैं ज्यादा यूज करता हूँ एंड ऑल्सो मैंने श्राइन से दो माइंड कोर खरीद के इस बंदे से सेलेस्टियल मेडिसिन भी बनवाई, जिसके बाद फाइनली मैंने ये वाला मार्क्स भी क्राफ्ट कर लिया। और इन सब के साथ अब मैं वापस आ चुका था इस बंदे से लड़ने एंड इस बार मैं बिल्कुल जोर में था। मैं तुरंत इसके पहले अटैक को डॉज करता हूँ और फिर दूसरे अटैक को डॉज करने के बाद मैं तुरंत इस पर डैमेज देना शुरू करता हूँ। पर गलती से मैंने यहाँ पर अपने स्प्रिट को मिस कर दिया। इस बार मेरा मेन फोकस था इसे मारते जाओ दे धनादन, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी खातिर ये मुझे इतना लो कर देता है कि मेरी इसकी बाल बराबर आके बचती है। पर अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि पहले मैं अपना डिफेंस करूंगा एंड देन फिर मैं इस पर अटैक करूंगा। इसी खातिर मैं इसका दो अटैक डॉज करता हूँ एंड देन फिर रॉक सॉलिड से उसका तीसरा अटैक भी डॉज कर लेता हूँ और फिर इसके पीछे जाके मैं उसे मोबिलाइज करके उसके ऊपर मेरा और एक कॉम्बो बैठा भी देता हूँ। एंड लिटरली इसके बाद मेरी स्मैश एबिलिटी चार्ज हो गई थी तो मैं उसको भी मारता हूँ और फिर मैं इसे डैमेज देना कंटिन्यू रखता हूँ एंड इसके एक अटैक से रॉक सॉलिड से बच जाता हूँ एंड फिर मैं इसे थोड़ा बहुत और डैमेज देता हूँ एंड अब ये अपने समाधि विंड को वापस से यूज कर रहा था। वेल मैं इसे डरता तो नहीं हूँ पर अब मैंने अपना क्लॉक ऑफ मैनी छोड़ दिया था एंड देन फिर मैं तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ रेड टाइड्स में एंड रेड टाइड के स्पीड के साथ लिटरली मैं इसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से डॉच कर पा रहा था। एंड देन फिर मैंने इस पे हमला बोल दिया जहाँ पर मेरे क्लोन्स भी मेरे साथ थे तो हम इस पे काफी अच्छा डैमेज दे रहे थे। और फिर इसके अटैक से बच के मैं इसके ऊपर और एक हैवी अटैक करता हूँ एंड इससे इस पे आग लग जाती है और फिर कुछ और अटैक करने के बाद मेरी हैवी अटैक दोबारा से चार्ज हो जाती है। तो फिर मैं इसे दोबारा से हैवी अटैक करता हूँ एंड लिटरली इससे इसे बहुत अच्छा डैमेज पहुँचता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैं तुरंत अपने विंड टेमर को ऐसे एक्टिवेट करता हूँ जिसके खातिर ये कुछ देर तक स्टन हो जाता है एंड इसका सारा विंड गायब हो जाता है एंड फिर मैं इसे डैमेज देता हूँ एंड अब मेरा मेन गोल था कि इसे होल्ड करूँ जब तक मेरे पास मोबिलाइज स्पेल वापस नहीं आ जाती। बल फिर मैं इसे होल्ड करने के लिए तुरंत एक हैवी अटैक करता हूँ एंड इसके बाद मेरी मोबिलाइज आ गई थी तो मैं तुरंत इसे मोबिलाइज करके डैमेज देता जाता हूँ। और उसी बीच ये मोबिलाइज से छुटके मुझ पर अटैक कर देता है पर अब ये एक बहुत खतरनाक टोर्नेडो भी फॉर्म कर रहा था। तो फिर मैं इसके अटैक को डॉज करता हूँ जिसके बाद ये मुझ पर वापस से अटैक करता है जहाँ पर मैं इसके ज्यादातर अटैक को डॉज कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर एक खतरनाक डैमेज देता हूँ जिसके बाद ये स्टन होता है तो मैं इसे मारना शुरू करता हूँ। एंड मुझे लगा था इस बार मैं इसे मार दूंगा कि अचानक से फाइनल हिट से पहले मुझे टोर्नेडो उठा ले जाती है एंड फिर ये मुझे अटैक से खत्म करने वाला था कि मैं अपने आप को रॉक सॉलिड करके इसके अटैक से बच जाता हूँ एंड देन फिर दो ही अटैक्स के साथ मैं इसे फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ फाइनली इस चैप्टर का फाइनल बॉस येलो विंड सेज मारा गया। इसके मरने के बाद तुरंत इसके हाथ से वो मॉन्क का सर नीचे गिर जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर अचानक से कहीं से सरकट आ जाता है एंड ये इससे कह रहा था कि तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया बस कुछ पल के यहाँ के राज के लिए। और फिर ये सरकट अपने फाइनल फॉर्म पे आता है जो कि था एक बहुत ही बड़ा मॉन्क का रूप, लिटरली ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और फिर ये नीचे से इस सर को लेके अपने धर पे लगाता है एंड फिर हमें इसका फाइनल फॉर्म देखने को मिलता है जो कि कह रहा था कि तुमने इसे हराया है, तुमने साबित कर दिया कि तुम इसके लायक हो, सालों पहले इस चूहे ने मेरे सर को धोखे से हासिल कर लिया था और इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि ये मंकी किंग के एक अंश को अपने पास रख सके और इसीलिए इसने मेरा सर चुराया और उसके अंदर इसको रखा एंड फिर ये अपने मुंह से सेज को निकालते हैं एंड कहते हैं कि तुम इसके लायक हो, तुम शक्तिशाली हो एंड ये सब कहकर ये तुरंत ही मुझे मंकी किंग का दूसरा सेज दे देते हैं। और इसी के साथ गाइस फाइनली हमने हासिल कर लिया है मंकी किंग का सेकेंड सेज और अब इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे एक कमेंट भी कर देना। बट जो भी हो हमने अपना सेकंड रेलिक हासिल कर लिया है तो इस बात की खुशी तो बहुत मस्त है। बाय द वे मैं आप लोगों के लिए पीछे चैप्टर 2 की स्टोरी रख दूंगा, उसको देख लेना, वो आने वाले चैप्टर 3 से रिलेटेड है। बाय द वे फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।
Men, beasts, Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong?